इंसान के साथ प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है, वो अपने को बड़ा पैमाना मान लेता है. तो यू आर नॉट द नॉर्म, नोबडी इज नॉर्म. चीज़ें हो सकती है तुमको नहीं महसूस हुई, नहीं महसूस हुई, दैट इज योर इंडिविजुअल अफेयर. तुमको नहीं ठीक लगता मत जाओ, तुमको नहीं अच्छा लगता मत जाओ. लेकिन चीज़ें होती हैं नहीं होती हैं ये हम कभी क्लेम थोड़े ही कर सकते हैं. अब कोई साइंटिस्ट नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वो किसी लैब में घुस जाए कहेगा क्या हो रहा है यहाँ, तो हमें कुछ नहीं पता चल रहा है, ये क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये एनर्जी एनर्जी तुम लोग इतना कर रहे हो, हमें तो कुछ नहीं लगता. साइंटिस्ट कहेगा ठीक है तुम्हें नहीं लगता तुम जाओ. तो नेवर थिंक योर सेल्फ एज क्राइटेरिया, तुम गलत हो सकते हो. और एक स्पिरिचुअल पर्सन की पहली जो स्थिति है वो यही है कि वो हमेशा ये माने कि मैं कौन होता हूँ सब कुछ तय करने वाला, मुझे नहीं लगा, मेरा जाति मामला है, मेरा व्यक्तिगत मामला है. और अगर तुम पूछो कि मुझे वहाँ कोई और नहीं लगा, तुमको कहीं और लगा क्या, तुमको कहीं और लगा क्या? अगर तुमको सब कहीं लगता था, तुम मान लीजिए कहीं पेड़ के पास गए, तुमको वहाँ और पता था. यू कैन सी, यू कैन फील, यू कैन सेंस, यू कैन एनालाइज. तब तो ये बनता है कि हम कहें कि हमको वहाँ नहीं लगा, समझ रहे ना बात को. और हमको कहीं भी नहीं लगता तो इसका मतलब हमको तो लगता ही नहीं, हमको तो पता ही नहीं चलता. अगर हमको हम कहें कि मुझको ये 10 जगहों पर इस चीज़ का एहसास हो रहा था, यानी कि हम कोई परफ्यूम डालें अपने ऊपर, हम कहें कि हाँ मैं बता सकता हूँ कि ये रोज़ का परफ्यूम है, ये इस चीज़ का परफ्यूम है, इस चीज़ का परफ्यूम है. फिर किसी ने और हमको बॉटल दी, उसने कहा कि ये इस चीज़ का परफ्यूम है, हमने डाला, मैंने कहा मुझे तो कोई स्मेल नहीं आई, मुझे इसमें कोई स्मेल नहीं आ रही. लेकिन मैं सेंसिटिव था स्मेल के प्रति, लेकिन मैं स्मेल के प्रति मान लो डेड हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता. किसी ने रोज़ डाला, स्प्रे तो मार दिया आपने पानी जैसा कुछ, मुझे तो कुछ नहीं आया. तो इसका मतलब ये कि हमको तो स्मेल की जो सेंस है वो नहीं है, तो हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं बना. इसी तरह से जो शटल बातें हैं एनर्जी फील्ड्स की, ऑरा की, इस पर कहने का राइट केवल उन्हीं लोगों का होता है जो इतने सेंसिटिव हैं, जिनको और जगहों पर चीज़ें पता चलती हैं. और अगर नहीं चलती हैं कहीं भी, तो उनको उस पर बात करने का कोई मतलब ही नहीं, तुम बात कर ही नहीं सकते. अभी जैसे मैंने सेंसिटिविटी की बात करी, फिजिकल सेंसिटिविटी, एनर्जी सेंसिटिविटी, तो लोग कहें हमको तो कुछ नहीं लगता, हम तो बस घूमते रहते हैं लोगों के पास. जो लोग प्रोस्टिट्यूशन में हैं, जो लोग इस तरह के तमाम रिलेशंस में हैं, वो कहें हमको तो कभी नहीं पता चला, हम तो बस ऐसे ही हैं. क्योंकि तुम अभी उस सेंसिटिविटी को इनलार्ज ही नहीं कर पाए, इसलिए तुमको वैसा लग रहा है. लेकिन जैसे ही कोई उस सेंसिटिविटी को इनलार्ज करता है, उसको पता चलता है, उसको अंतर पता चलता है, उसको उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है उन चीज़ों का. तो हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या हमको और जगहों पर भी चीज़ें पता चलती हैं, तब अदरवाइज फॉरगेट इट.